नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रमेश आंडा। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। पीजीआई में बनेगा डिजिटल केयर ब्लॉक, केंद्र देगा 120 करोड़। चौकस है चंडीगढ़ की ऑटो चालक यूनियन, बिना पुलिस की मदद लिए खोज निकाला चोरी हुआ ऑटो। अब तक ढूंढ चुके हैं 42 चोरी के ऑटो। और हरियाणा के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने अमरावती सिनेमा में देखी फिल्म द कश्मीर फाइल, 6 माह के लिए टैक्स फ्री करने का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना और इसके जैसी गंभीर बीमारियों के चलते पीजीआई में अब जल्द ही एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में क्रिटिकल मरीजों की संख्या का बोझ पीजीआई पर पड़ गया था और उस समय यह जरूरत महसूस हुई थी कि पीजीआई में एक अलग से क्रिटिकल केयर ब्लॉक होना चाहिए, जिसके लिए अब पीजीआई ने केंद्र से गुहार लगाई थी और केंद्र ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही ड्राइंग और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पीजीआई में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनना शुरू हो जाएगा। कोरोना और इसके जैसे संभावित महामारी से मरीजों को बचाने के लिए उत्तर भारत का प्रमुख चिकित्सीय संस्थान पीजीआई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। यहाँ विशेष क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। कोरोना काल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की जरूरत को महसूस किया गया था। उस समय स्वास्थ्य ढांचे पर काफी बोझ आ गया था, मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बेहतर और गहन चिकित्सा प्रदान करने में भी इस कदम से मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत अलग से बिल्डिंग बनाई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पीजीआई ने कोरोना मरीजों के लिए 250 से ज्यादा क्रिटिकल बेड प्रदान किए थे। वहीं नेहरू एक्सटेंशन ब्लॉक की पूरी बिल्डिंग को भी कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रख लिया गया था। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बनाए जाने का प्रस्ताव है। ये देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से भविष्य में लड़ने के लिए मजबूती मिलेगी। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन राष्ट्रीय स्तर योजना है, जिसके जरिए देश भर की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। इसमें प्राथमिक, गंभीर और अति गंभीर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान किया जाना शामिल है। केंद्र सरकार पीजीआई को इस प्रोजेक्ट के लिए 120 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। वहीं इसके लिए ड्राइंग्स और बाकी तैयारियां जल्द ही मंजूरी मिलने के बाद पूरी कर ली जाएंगी। दरअसल केंद्र सरकार ने देश भर में 12 सरकारी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाने की योजना बनाई है। ये एक प्रकार से ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण की दिशा में भी काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए 100 से 150 बेड होंगे। यहाँ पर हर प्रकार की चिकित्सीय जरूरत और मरीजों के हिसाब से बेड विभाजित किए जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने एक व्यक्ति को सेक्टर 18 से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 263 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। आरोपी की पहचान मुलवा के स्मॉल फ्लैट्स में रहने वाले संजय के रूप में हुई है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ सेक्टर 19 थाना में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि इस व्यक्ति के साथ कई और भी चेन से जुड़ी हुई है, जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। 27 फरवरी को सेक्टर 43 की पार्किंग से एक ऑटो चोरी हो गया था। ऑटो मालिक राहुल ने इसकी जानकारी चंडीगढ़ ऑटो यूनियन के अध्यक्ष को भी दी थी, जिन्होंने ऑटो की तस्वीरें व्हाट्सएप पर डालकर अपने सभी ऑटो चालकों को सतर्क कर दिया था। एक ऑटो चालक हर रोज धनास के पास से पीजीआई अपनी माता के इलाज के दौरान उन्हें लेकर जाता था, जिसने ऑटो को एक वीरान जगह पर खड़ा पाया और ऑटो यूनियन अध्यक्ष को इसकी सूचना दे दी। ऑटो यूनियन अध्यक्ष ने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ऑटो चालक यूनियन के ग्रुप में यह मैसेज डाला, जिसके बाद ऑटो चालक मालक ने उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मौके पर जाकर उन्होंने ऑटो की पहचान कर ली। ऑटो का नंबर चेंज किया गया था और इसकी पहचान ना हो इसके लिए उसमें कुछ बदलाव भी कर दिए गए थे। ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष का ये कहना है कि वह अब तक चोरी हुए 42 ऑटो को अपनी ऑटो यूनियन के व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से ही बरामद कर चुके हैं, बिना पुलिस की मदद लिए। ये गाड़ी कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, जो कि आज धनास
के जंगलों में हमें मिली है। इससे पहले भी हमारे को एक मखन माजरा जंगलों में एक ऑटो मिला था 88-03 और आज ये गाड़ी मिली है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी चोरी हो गई थी सेक्टर 43 बस स्टैंड की पार्किंग के पास से। इसको लड़का चलाता है, किराए अपनी है शायद उसकी। ये सारा सिस्टम उसने निकाला हुआ है ऑटो का, बैटरी भी नहीं है इसके अंदर। ये देखिए क्या चीज है। ये तिरंगा था इसमें। अच्छा, इस पर तिरंगा था। बीच में व्हाइट वाला है, बीच में व्हाइट है और ये देखो ये चोरों ने ये किया हुआ है। अच्छा, ये अंदर ये सब खोल खाल दिया, ये सब सारा कुछ दिया। अच्छा, ये नंबर क्या था असल में? नंबर था 3059 था ये। अच्छा, ये पेंट से 8 कर दिया इसको। ये पेंट किया, ये पेंट। अच्छा, ये 9 था, 9 को 8 कर दिया। 8 कर दिया, ये देखिए पेंट कर दिया इसने। इसको भी तोड़ने की कोशिश की लेकिन इसे टूटा नहीं। और आगे 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 जुला सब। अच्छा, यहाँ पर लगा था। और ये इसमें जो ये भी डेंट कर रखा था, ये सिल्वर कलर था। अच्छा, और ये इसमें जो पर्दा लगा था, इसे सारा कुछ खोलिया, डेक लगा था, बड़ा डेक था। अच्छा, तो पीछे सामान पड़ा हुआ, उठाओ जरा, देखो आप कह रहे थे सामान, ये देखिए। हाँ, ये खोल खाल दिया। अच्छा, ये आगे क्या बताया था आपने? और ये भी देखिए, ये देखिए। अच्छा, ये 9 था, इसको 8 बना दिया है, इसको 8 बना दिया है पेंट करके। वाह, और ये ठोक भी रखा है, ये देखिए। तो ये नंबर जो आप, ये जो नंबर प्लेट है, ये 9 था, ये आप ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर पेंट करके इसको 8 बना दिया है। और इसको भी तोड़ने की कोशिश की, टूटा नहीं, समझ गया मैं। ये ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये यहाँ पर इन्होंने पेंट लगा दिया ताकि ये 8 बन जाए, लेकिन ये था ये 9। ये बड़ी चालाकी करते हैं, और गाड़ी की लोकेशन चेंज करने के लिए इन्होंने इसको पेंट कर दिया काले वाला, और जबकि यहाँ पर तिरंगा लगा हुआ था, भारत का जो देश का, जो हमारे देश का जो तिरंगा है, जो हमारे देश की आन बान शान, उसको काला कर दिया। देखिए इतने शातराना काम से, ये देखिए अभी 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 ये देखिए, ये तिरंगा के निशान, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तिरंगा निशान है, और ये हरा वाला है, ये हरा वाला है, ये देखिए, ये व्हाइट वाला है, देखिए ये इसको कैसे इन्होंने बदलने की कोशिश करी है, गाड़ी की पूरी लुक चेंज करने की कोशिश करी है, कर दिया प्रधान जी, लुक पूरा चेंज कर दिया। चलिए, खुश हो आप अल्पो? प्रधान जी, कोई नहीं कोई नहीं। अक्सर आए दिन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि वो कभी पार्किंग से या कभी घर के बाहर खड़ा ऑटो या अन्य जगहों पर ऑटो अक्सर चुरा कर ले जाते हैं, और ऑटो चोरी करने के बाद ऑटो से जो सामान होता है, बैटरी हो, स्टपनी हो, म्यूजिक सिस्टम हो या अन्य कोई सामान हो, वह निकाल के ले जाते हैं। जैसे इसने अब ये मेन सामान यहाँ से भी निकाल लिया है, बैटरी भी निकाल लिया, और अंदर एक हरी पट्टी होती है वो भी निकाल लिया, अभी इंजन का चेक करना बाकी है। और इससे पहले आपको याद होगा कि एक मक्खन माजरा में 88-03 जो 16 सेक्टर चंडीगढ़ हॉस्पिटल की पार्किंग से ऑटो चोरी हो गया था, जिसको हमने ढूंढ दिया था मात्र 12 दिनों में ही, ठीक वैसे ही ये ऑटो कब चोरी हुआ था? 27 जनवरी को रात को, फरवरी से, अच्छा 27 फरवरी को ऑटो चोरी हुआ था, 15-16 दिन हो गए। कहाँ से चोरी हुआ था? 43 बस स्टैंड, 43 बस स्टैंड पुलिस चौकी के सामने से। पुलिस चौकी के सामने से ऑटो चोरी हुआ है, पार्किंग से। वो भी पार्किंग से, इनके नाम ऑटो है। ये गाड़ी का ये नंबर मेरे को एक लड़का है रंजीत नाम का, उसने मुझे व्हाट्सअप करा कि सर ये ऑटो चोरी हो गया है, आपने बहुत ऑटो ढूंढे हैं, कृपया हमारी भी मदद करें। ये वो शख्स है जो पिछले 3 दिन से इस ऑटो को धनास के जंगलों में देख रहा है, और इन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि सर ये ऑटो खड़ा है, पता नहीं लग पा रहा है। तो मैंने कहा भी आप एक मुझे फोटो वहां की खींच के भेजे, ऑटो यहाँ पर खड़ा है, तो ये फोटो भेजी और मैंने को आगे शेयर करा मैंने इस चीज को, और मुझे जानकारी मिली कि ये ऑटो 27 फरवरी को चोरी हुआ था, जो कि आज मिल गया है इनके माध्यम से। और हमारा ग्रुप है जो हम अक्सर ऑटो जो चोरी हो जाता है उसको आगे वायरल करते हैं, पुलिस की मदद भी लेते हैं कि ये ऑटो चोरी हो गया है, कृपया हमारी मदद करें, ये जो ऑटो चोरी हो गए हैं। तो हम चंडीगढ़ पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करती है, और जैसे कि हमारा सहयोग करती है और हम भी उनका सहयोग करते हैं, आने वाले समय में कि जो ऑटो चोरी हो गया है उनको ढूंढवाया जाए। और ये ऑटो आज मिल गया है, और ये हमारी चंडीगढ़ ऑटो यूनियन की 42वीं कामयाबी है, जो कि आप देख सकते हैं ये ऑटो हमें मिल चुका है जंगलों में। और बाकायदा ये ऑटो इनके नाम है, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार के नाम ये ऑटो है, जिसको हम बाकायदा आज घूम रहे हैं। राहुल जी आपको मुबारक हो।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला के अमरावती एनक्लेव के सिनेमा हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने द कश्मीर फाइल फिल्म देखी। उनके साथ फिल्म देखने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला के मेयर कुलभूषण और अन्य कई नेतागण शामिल थे। फिल्म देखने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा में इस फिल्म को 6 महीने के लिए टैक्स फ्री करने की घोषणा करती है। इसके लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों राजा कर को आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग को यह देखना होगा कि सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स विभिन्न श्रेणियों की वर्तमान सीटों में ना तो कोई बढ़ोतरी कर सकें और ना ही क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश दें। 6 माह के दौरान थिएटर व मल्टीप्लेक्स संचालक टिकट पर दर्शकों से स्टेट GST नहीं वसूलेंगे। आज ये जो फिल्म देखी है कश्मीर फाइल, वास्तव में एक ट्रेजिक स्टोरी ऑफ कश्मीर है। कश्मीर सुना बहुत था, लेकिन जिस प्रकार से फिल्म दिखाया गया है उसमें से वास्तव में जो नई दिल्ली नगरी जिसको निकाला गया और दिखाया गया और गया है। और मुझे लगता है कि कहानी जो वास्तव में जनता के सामने आनी चाहिए थी, कहानी आई है सामने। अब इन्हीं का परिस्थितियाँ बदली हैं, क्योंकि धारा 370 हटाने की बात उस समय कही गई है, वो धारा 370 खत्म हो गई है। और अब जो चीज़ें उस समय हुई, कम से कम आगे तो कोई धारा जा नहीं सकती। आशा अपेक्षा आज भी की जाती है कि कश्मीर में जाए, आशा अपेक्षा आज भी करते हैं। देखिए, जिस प्रकार का एक सारी स्टोरी है वो केवल हमारे एक्सप्री करने से ही लोग उसमें उत्साही है या उसमें उसकी कंपनी है, वैसा तो नहीं है। लेकिन फिल्म भी एक्सप्री करने से आम जन बड़ी संख्या में ज्यादा संख्या में मेरी स्टोरी को देखे और मन में देश के प्रति प्रेम का जो प्रधान संस्था में होना चाहिए वो उसका एक लाभ निश्चित रूप से होगा ही। इसलिए हमारे अभिनय कैसा लगा आपको सभी किरदारों का? अनुपम खेर का जो किरदार है या जो दर्शन कुमार बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है। और वैसे तो जिस प्रकार के किरदार बाकी भी लोगों ने निभाए हैं उस वक्त रियलिटी और उसमें सजीव उत्पन्न है कि किस प्रकार से सारी परिस्थितियों को और कैसे दिखाया जाए, बताया जाए, उसको एक्सप्रेस किया जाए, काफी जीवंत सारी किरदार। चंडीगढ़ शिशु निकेतन स्कूल के NSS वॉलंटियर्स एवं अटावा गांव और MOH की टीम ने मिलकर अटावा की डिस्पेंसरी में सफाई अभियान चलाया। बच्चों ने सुबह सवेरे ही डिस्पेंसरी में पहुंचकर झाड़ू उठाए और पूरी डिस्पेंसरी को साफ कर डाला। इस मौके पर ग्रामीणों ने भी इन बच्चों का साथ दिया। आज बड़ा ही अच्छा लगा, यहाँ पे शिशु निकेतन सेक्टर 43 से NSS की टीम के 50 बच्चे टीचर्स के साथ आए थे, जिन्होंने हमारे यहाँ पॉली क्लिनिक बना हुआ था। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सफाई की और अवेयर किया, लोगों को भी अवेयर किया कि यहाँ आपने कूड़ा करकट नहीं डालना। जैसे कि आपको पता चला है 75वां महोत्सव अम्मी महोत्सव चल रहा है, उसी हिसाब से स्कूल की टीम ने भी बड़ा उत्साह से प्रोग्राम किया कि हम लोगों को जागरूक भी करेंगे और यहाँ के जो कम्युनिटी सेंटर जहाँ की सब इनको सफाई लगा कि यहाँ सफाई करने की ज़रूरत है, वहाँ इन्होंने सफाई भी की। मैं अपने वार्ड की तरफ से इनका अपने और यहाँ हमारे साथ जो शशुन गांव वाले आए थे इन्होंने मिलके जो सहयोग किया, मैं सभी का स्कूल की टीम से NSS स्टूडेंट्स का, हेमंत सर जो DPI हैं उनके साथ, मैडम भाई, इनका सभी का तहे दिल से अपने वार्ड की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम से बच्चों को भी जागरूक किया है कि आपने भी सफाई करनी है और लोगों को भी बताना है कि कैसे अपने आस पास के एरिया को साफ रखना है। तो सब मैं तहे दिल के सबका धन्यवाद। हमारा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हमारा अडेप्टेड विलेज जो है वो अटावा है, तो हमने अटावा के MC से मिलके और NSS के वॉलंटियर ने मिलके यहाँ पर जो ये कम्युनिटी सेंटर है ये इसको हाइजीन का काम किया है। तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ साथ MC भी हमारे साथ थे। वी आर लकी दैट वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क हेयर एंड क्लीन द एनवायरनमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड वी ऑल्सो गॉट रिफ्रेशमेंट, सो वी फील वेरी लकी टू कम हेयर एंड गिव आर पार्ट इन दिस क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट एंड द हाइट। इतने आप सफाई सफुई की रिफ्रैशमेंट्स वगैरह बहुत वाइस टाइम से मिलियाँ, तो बहुत मतलब कि एरिया वगैरह साफ सूफ किया, बहुत वाइस लगे। सोमवार को मेयर सरबजीत कौर हल्लो माजरा के दौरे पर थी।
उनके दौरे से पहले ही पूरे हल्ले माजरा को चकाचौंध कर दिया गया। नगर निगम की सफाई की टीम वहां पहुंची हुई थी और दिन रात लगाकर वहां सफाई व्यवस्था सुचारू बना दी। यहां कॉलोनी वासियों का कहना था कि काश हर हफ्ते यहां मेयर आए और इसी तरह कॉलोनी की सफाई होती रहे। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा और शायद देखा भी होगा कि अगर किसी इलाके में किसी नेता या मंत्री का आगमन होता है तो उससे पहले उस इलाके की साफ सफाई की जाती है और अन्य छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी जुट जाते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला चंडीगढ़ के हल्लो माजरा में, जहाँ पर मेयर सरबजीत कौर गाँव का दौरा करने के लिए पहुँची और उससे ठीक पहले वहां पर अफसरों की टीम पहुंच गई और गांव की दशा और दिशा बदलने में जुट गई। इलाके में साफ सफाई का काम शुरू हो गया, सीवर ब्लॉकेज को भी ठीक किया जा रहा था और इस सब को देखकर हल्लो माजरा गांव के लोग हैरान रह गए। आपको बता दें, हल्लो माजरा गांव में समस्याओं का अंबार है। यहाँ सड़क, सीवरेज, साफ सफाई, हर चीज की दिक्कत है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो पाता और इसे लेकर लगातार पंजाब केसरी भी कवरेज कर नगर निगम को इससे अवगत करवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अभी तक हल्लो माजरा की तस्वीर बदल नहीं पाई। लेकिन सोमवार को मेयर सरबजीत कौर के दौरे से पहले निगम के अफसरों की टीम वहां पहुंची और साफ सफाई से लेकर सीवर ब्लॉकेज को ठीक करने का काम शुरू किया गया, जिससे कि हल्लो माजरा गांव के हर निवासी का बस यही कहना था कि मेयर मैडम को यहां पर रोजाना आना चाहिए। पहले मेयर है जो आवा पिंड चाहे को ना कोई समाधान होगा। सर, पहले मैम ने जो ये पिंड घूमे अज तक कोई मेयर नहीं इदा घूमया। सानू उम्मीद है भी हाँ मेयर मैम कुछ करके दिखाऊंगे, साढ़े पिंडा वास्ते बनूंगे। पिंडा दे लोकल ने, इन्हां नू पता है पिंडा दी क्या समस्या है। आपको बता दें, सोमवार को मेयर सरबजीत कौर हल्लो माजरा का दौरा करने के लिए पहुंची और उन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया। उन्होंने हल्लो माजरा में प्राइमरी स्कूल से लेकर गली गली तक का मुआयना किया और लोगों की समस्याओं को सुना। मेयर सरबजीत कौर ने कहा कि यहां पर लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने इसे लेकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। अब जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पहला तो मैं सारे पिंड वासियों सत्यारे बनाने सब सत श्री अकाल कहनी हूँ। अपने वड़ी वीर ने धन्यवाद कर दी जो इतने के काउंसलर ने। हाँ, असी अज इतने देखना है कि जो मेन प्रॉब्लम्स है लोगों दी, जो काम शुरू होया कितने तक होया है, किवें हो रहा है, वो बारे असं इतने मेन इन्हों की मंग ये कि कॉमनिटी सेंटर बनाया जाए। तो साड़ी ए मेरी जरूर यही प्योरिटी रहेगी, जो इन्हों की डिमांड है वो असी पूरी करिए। वो भी जिमें चलो दिखाएंगे जाके देखते हैं कि असी लोगों को अवेयर करिए कि कूड़ा जोड़ा है कि सैग्रीगेट करके अलग अलग देिए, एक जगह इकट्ठा ना करिए। उस भी कितने ना कि असी जिम्मेवार हैं, जो असी डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं वो मैं कहूँगी कि असी जाके लोगों को अवेयर करिए दसीए। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। हाँ जी, असी अपने सारे मुलाजमान की इतने ड्यूटी लवेंगे कि दोबारा डंपिंग ग्राउंड ना हो, तो लोगों को दसन कि किमें असर कूड़ा सैग्रीगेट कर करके किमें सिट। वहीं जब हल्लो माजरा के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हल्लो माजरा में समस्याओं का अंबार है और आज तक इन समस्याओं पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन मेयर सरबजीत कौर यहां पर पहुंची और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, इसीलिए उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही हल्लो माजरा गांव की तस्वीर बदलेगी। अज सारा पिंड पूरा देख के गए, गली गली घूमे हैं, बिल्कुल सानू पूरी उम्मीद है कि पूरी साड़ी समस्या का हल होएगा। और मेयर साहब ने, मैडम ने बहुत सानू तरीके नाल वधिया समझाया कि जो भी समस्या थोड़ी है असं जल्दी जल्दी पूरी करांगे। ये इस तो पहला कदे कोई असं देखे नहीं है, कोई मेयर मैडम या कोई मेयर का कोई आए हुए, तो मैडम सवेर दे आए हुए हैं, कल्ली गली गली घूम रहे हैं जी, तो सानू बहुत अच्छा लग रहा, सारी समस्या भी साड़ी सुन रहे हैं। इसी के साथ ही हल्लो माजरा के लोगों ने बताया कि उन्हें इलाके में बढ़ती जा रही समस्याओं के कारण नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। सर, हमारी पहली डिमांड है लाल डोरे के लिए, ये जो है इसको गांव बाहर जो रेगुलराइज आबादी है उसको रेगुलर करने के लिए एजेंडा पास करें कॉर्पोरेशन में, उस पास किए हुए एजेंडे को ये एडमिनिस्ट्रेशन को दें और उसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भेजें, वहाँ से अप्रूवल हो और लाल डोरे के बाहर की जो आबादी है वो रेगुलर हो, ताकि उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पर हमें पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है, हमें पीने का पानी वो चाहिए जो सेक्टरों को मिल रहा है, गाँव में पानी बहुत ख़राब है। ठीक है जी। थर्ड हमारा ये है कि जो यहाँ पर सीवर ब्लॉकेज की सिस्टम है, ब्लॉकेज बड़ी प्रॉब्लम आती है, हर जगह बीमारी का खतरा रहता है, इसके लिए एक रेगुलर चेकअप हो,
इनके आदमी लगे रहें रेगुलर और अपने लेवल पर उसको चेक करें और अपने लेवल पर उसको करें ताकि लोग मतलब बिना बात का हल्ला न मचे जी यहाँ ब्लॉकेज है वहाँ ब्लॉकेज है और कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो। इस मेयर सरबजीत कौर के दौरे से हल्लू माजरा के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनके गांव की तस्वीर बदलेगी और उन्हें भी सेक्टर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मेयर हल्लू माजरा की दिशा और दशा बदलने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। पंजाब के सीटीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। हल्लू माजरा गांव में ही एक और डंपिंग ग्राउंड बनने लगा था जहां कूड़े के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे थे और ढेर पहाड़ का रूप ले रहे थे जिसे पंजाब केसरी की टीम ने कई बार दिखाया। यहां की तस्वीरें देखने के बाद नगर निगम और एमओएच को होश आया जिन्होंने अब इस डंपिंग ग्राउंड को बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया है, इसे समतल कर दिया गया है। यहां के लोगों ने पंजाब केसरी टीवी का और नगर निगम का धन्यवाद किया है। चंडीगढ़ के हल्लू माजरा गांव में दूसरा डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा था और ये डंपिंग ग्राउंड ठीक प्राइमरी स्कूल के सामने था। इस समस्या को लेकर पंजाब केसरी टीवी पर लगातार खबरें दिखाई जा रही थी कि वहां कैसे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्कूल के सामने कूड़े का ढेर बढ़ता ही जा रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स भी लगातार शिकायतें कर रहे थे। वहीं पंजाब केसरी टीवी की खबर का असर सोमवार को देखने को मिला। दो दिन से इस डंपिंग ग्राउंड में सफाई कर्मचारियों की टीम पहुंच रही है और उस पूरे एरिया को साफ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले काफी समय से यहां फैली गंदगी की शिकायतें की जा रही थी लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और स्कूल के सामने पनप रहे इस दूसरे डंपिंग ग्राउंड में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कूड़े के इस ढेर से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। वहीं स्थानीय लोगों को इस वजह से काफी समस्याएं आ रही थी। पहला तो सब तो पहला असी मेयर का ही धन्यवाद करते जो हूँ उन्होंने दौरा रखा तो तीन चार दिन तो हूँ सफाई सोहनी हो रही है। बाकी जे इदा ही महीने बाद दौरा रखी जाते सफाई होंगी रहे तो सुधार हों रहेगा। बाकी जो सीवरेज वाली प्रॉब्लम है ना सीवरेज वाली ये तो देखो मुलाजम लगे रेंदे हैं सीवरेज साड़ी बहुत पुरानी पई हुई है तो असी मेयर साहब नूं यह भी कहना चाहेंगे कि सीवरेज साड़ी बदला के नवें सिरे तो पवाई जाए तो चंगे ढंग नाल पवाई जाए ता कि आने वाली समस्या एक बिल्कुल खत्म हो। सर ऐसे है पिछले कुछ दिनों से हम ना मेयर मैडम को मिले थे यहाँ के एक प्रोग्राम के बारे में तय किया था कि यहाँ पे हल्लू माजरा में एक दौरा किया जाए। हमने आपने भी बताया हमने भी बड़ी यहाँ पे कोशिश की कि वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बन रहा है और सफाई के हालात बहुत ख़राब हैं तो उन्होंने ये दौरा रखा तो मेरे को लग रहा है कि आप उनके दौरे से अफसर और ये प्रशासन के लोग जो जाग चुके और एक दिन में दो दिन में ही सफाई का ये हालात बदल दिया कि उनको दिखे कि आके यहाँ पे बढ़िया है लेकिन असलियत और जो असली बात होती है उसके बारे में तो लोगों को पता है ना वो लोग बताएंगे उनको सारी कि ये दो दिन में आने से आप कल और आज के दिन में ये इतनी सफाई हो सकती है अगर ये डेली ऐसा हो तो ये साफ क्यों ना रहेगा। जगदीश जी तुम बार बार मतलब दिखाते रहे हैं ये चैनल दे राही ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਅੱਜ ਅਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਆਏਗਾ ਹੱਲੋ ਮਜਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲੋ ਮਜਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀਰੋ ਕਵਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਤੇ ਹੱਲੋ ਮਜਰੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੱਲੋ ਮਜਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਵਣਾ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ कि इन्नी सफाई साढ़े पिंड जी सीवरेज वाले भी कई गड्डिया आई हुई हैं टेंकी ले लेके जेडे कि ओवरफ्लो हो रहा उन्होंने ठीक करने वास्ते सफाई कर्मचारी भी काफ़ी पिंड च लगे हैं ये खबरों का ही असर है थोड़े लोगों का ही धन्यवाद है जोड़ा कि साढ़े पिंड थोड़ा जहा सुधार हो रहा तो मेयर साहब भी आ रहे हैं पिंड का दौरा करने वास्ते भी असं चाहते हैं जो भी पिंड का थोड़ा जहा सुधार हो जीवन स्तर थोड़ा जहा उपर आए
जिहड़ा कि इन्हें गंद जे लोग रह रहे उन्होंने मुक्ति मिले गंद तो। धन्यवाद। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में लगातार सफाई का स्तर गिरता जा रहा है। हल्लू माजरा में दूसरा डंपिंग ग्राउंड बनने की तैयारी में था, लेकिन गंदगी का आलम सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन की नींद खुली और यहां साफ सफाई शुरू कर दी। वहीं अगर शहर में रोजाना ऐसी ही साफ सफाई की जाए तो शहर को स्वच्छता में नंबर वन आने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली सफलता के बाद पंजाब के एडवोकेट जनरल एडवोकेट पटवालिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह पंजाब के नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी गई है। अनमोल रतन सिद्धू पंजाब के नए एडवोकेट जनरल होंगे, जो कि बहुत जल्द अपने पद संभाल लेंगे। आपको बता दें कि अनमोल रतन सिद्धू इससे पहले कई बार एसोसिएशन के और बार काउंसिल के चेयरमैन और अध्यक्ष रह चुके हैं। अनमोल रतन सिद्धू इससे पहले कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने भी इनका चयन पंजाब के एडवोकेट जनरल के लिए किया है। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राइसिटी में सोमवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 30.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 67% रही। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में किसी भी तरह का अंतर नहीं आएगा, दिन का और रात का तापमान बढ़ जाएगा। ट्राइसिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की अन्य खबरों और जानकारियों के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राइसिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।